हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं Redmi Note 4 का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि रोम है यहां पे Aosap रोम है, अनऑफिशियल बिल्ड है ये एंड्रॉयड 11 का, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग है और कुछ कुछ चीज़ें जो है काम नहीं करती अभी, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट आपको रिव्यू देने वाला हूँ यहाँ पर, और साथ साथ इंस्टॉलेशन भी है, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन लें, क्योंकि काफ़ी दो दिन से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है नोटिफिकेशन का, किसी को नोटिफिकेशन ही वीडियो की नहीं जा रही है, मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ तभी लोगों को पता चल रहा है, तो इसलिए वहाँ ज्वाइन जरूर ले लें। पता नहीं यूट्यूब कौन से नशे करके बैठा है, सस्ते हैं या महंगे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेरे को, फिलहाल वहाँ आप ज्वाइन लें ताकि आपको पता चल जाया करेगा, वीडियो जब भी पोस्ट होगी वहाँ पर मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। तो चलिए ये वीडियो जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन की, तो एंड्रॉयड 11 हमें देखने को मिल जाता है और जो 5 नवंबर 2020 की सिक्योरिटी पैच है और एएसपी का जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड आपको मिल जाता है 11 का यहाँ पे, और नीचे हमारा जो कर्नल है 3.18 वाला यहाँ पे ओमनी रोम का देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार के अंदर आपको जो है यहाँ पे ये कुछ टॉगल्स हैं जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, तो टॉगल्स तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, फोकस मोड भी दिया गया है और 3 डॉट पे हमें रीसेट का ऑप्शन मिलता है। और अगर हम बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो है हमें किस तरीके से लैग देखने को यहाँ पे मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको अगर दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है लैग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ये लैग नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की, कुछ इस तरीके से मिल जाता है और ये कुछ सेटिंग्स भी मिल जाती है आपको। और पावर मेन्यू की अगर हम बात करें, तो पावर मेन्यू जो है डिवाइस कंट्रोल मिलता है, पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट मिलता है, और रिस्टार्ट बटन पे आपको एडवांस रिस्टार्ट भी मिल जाता है, तो आप अपने रिकवरी में भी आप यहाँ से आराम से जा सकते हो। और रीसेंट जो है काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और काफ़ी स्मूथ भी है, जो कि शेयर क्लियर ऑल एंड स्क्रीनशॉट मिल जाता है, और स्क्रीनशॉट में शेयर एडिट एंड डिलीट का भी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। जो यूआई है एंड इंटरफेस है रीसेंट का काफ़ी अच्छा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें हार्डवेयर बटन लाइट की, वो भी यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 11 पे आपकी वर्किंग मिल जाती है। और कॉलिंग की बात करें, तो यहाँ पे वोल्टी आपका काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग काम नहीं करेगा, तो वीडियो कॉलिंग के लिए आपको जो है थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा वीडियो कॉलिंग के लिए, और यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टाइल एंड वॉलपेपर्स की, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका वॉलपेपर ये मिलने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड स्टाइल्स आपको यहाँ पे एक मिल जाता है, कस्टमाइज आप कर पाओगे, ग्रिड मिल जाता है, और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल, ये कुछ क्लॉक स्टाइल हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होम सेटिंग्स की, तो यहाँ पे होम सेटिंग्स जो है आपको ये क्विक टैप वाली मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है आप देख सकते हो हिडन ऐप एंड प्रोटेक्टेड ऐप भी मिल जाता है, तो अपने एप्लीकेशन को आप हाइड भी कर सकते हो एंड लॉक भी कर पाओगे। और सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हमारा वाईफाई काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, और कास्ट जो है यहाँ पे अभी फिलहाल काम नहीं करता, जो कि एंड्रॉयड 11 में ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर अगर हम चलते हैं, तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो क्विक स्टेप जो कि होम ऐप हमारा देखने को यहाँ पे मिलता है। और अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी भी सेवर मिल जाता है, बैटरी मैनेजर मिल जाता है, और बैटरी बैकअप की बात करें, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 60% हमें बैटरी मिली है, तो बैटरी बैकअप भी जो है अच्छी ही आपको मिल जाती है, फिलहाल यहाँ पे फुल ब्राइटनेस पे था तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे फिलहाल तो। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो यहाँ पे आपका डार्क थीम जो कि अब काम कर रहा है, नाइट लाइट भी वर्किंग है, ऑटो ब्राइटनेस भी काम कर रहा है, लाइव डिस्प्ले भी जो कि यहाँ पे आपका काम कर रही है। और यहाँ पे स्टाइल इन वॉलपेपर ऑलरेडी मैं आपको दिखाई दिया होम स्क्रीन पे, एंड बैक करते हैं रोटेशन आपका काम करता है यहाँ पे। और लॉक स्क्रीन के अंदर चलें, तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो जो कि ऑलवेज ऑन, तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है आप देख सकते हो, तो ऑलवेज ऑन जो है आपका यहाँ पे वर्किंग है, आपको दिक्कत इसमें नहीं होती है। और साथ साथ यहाँ पे नीचे आपको बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन मिल जाता है जो कि वर्किंग है, और डबल टैप टू बैक आपका काम करता है, नीचे आपको डैशबोर्ड की सेटिंग्स मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड के अंदर आपको यही वाइब्रेट फॉर कॉल मिल जाता है, मीडिया मिल जाता है, एंड नीचे आपको अदर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, तो साथ में आपको फेस अनलॉक भी मिलने वाला है। पैटर्न साइज जो है आपका नॉर्मल ही है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है एंड्रॉयड 10 की तरह नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंट लॉक करते ही टैप करने पर यह अनलॉक हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और फेस अनलॉक की अगर हम बात करें, तो फेस अनलॉक भी जो है आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कुल मिला के सिक्योरिटी आपकी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ फिंगरप्रिंट ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, एंड नीचे स्मार्ट लॉक हमारा मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिक्योरिटी में मिलती है, एसेबिलिटी तो आपकी नॉर्मली जो कि सेम ही रहती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड हम चलते हैं यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन के अंदर,
तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार में जो कि मिलने वाला है डबल टैप टू स्लीप एंड वोल्टी आइकन देखने को मिल जाते हैं। बैटरी स्टाइल दिया गया है, बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल के लिए दिया गया है एंड स्टेटस बार आइकन्स मिल जाते हैं और ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। बैटरी बार मिल जाता है, डाटा डिसेबल इंडिकेटर मिल जाता है एंड क्लॉक एंड डेट सेटिंग्स मिल जाती है आपको एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे टाइटल मिल जाता है, कस्टम हेडर जिसका आप यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है तो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। बस हाइट जो है सेट करने के लिए अभी फ़िलहाल इसमें आपको नहीं मिलती है तो हाइट की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको होगी हाइट एडजस्ट करने के लिए। एंड अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कॉलम सेटिंग्स आपको मिल जाता है, क्यूएस जो कि पुल डाउन मिल जाता है और यहाँ पे स्मार्ट पुल डाउन है, डाटा यूजेस भी मिल जाता है डेली या मंथ आप ऐड कर पाओगे जो कि टॉप पे आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा। तो थोड़ी देर में ये रिफ्रेश हो जाता है, आप देख सकते हो ये जो है काम कर रहा है। और अगर हम बात करें बटन्स की तो यहाँ पे आपको डिसेबल करने के लिए दिया गया है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रॉकर जो कि यहाँ पे सेटिंग्स हमें मिल जाता है तो जिसके अंदर आपको देख सकते हो काफ़ी सारी सेटिंग्स है। अडेप्टिव प्लेबैक भी हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड बात करें यहाँ पे डिसेबल की मिल जाता है, डिसेबल बैकलाइट भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपनी बटन्स लाइट को एंड नीचे लॉन्ग प्रेस एक्शन ये सारे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे बटन्स के अंदर। एंड बात करें नेविगेशन बार की तो ये भी जो है आपका काम कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके यहाँ पे वर्किंग है, बग आपको जो है कम ही मिलते हैं, उतना ज़्यादा नहीं मिलते एंड यहाँ पे आपका नेविगेशन बटन भी काम कर रहा है। जेस्चर की बात करें तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आपको मिलता है उसके अंदर और लॉक स्क्रीन पे आपका जो है यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, चार्जिंग इन्फो मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन मिल जाता है और नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन भी यहीं पे आपको जो है मिल जाता है, म्यूजिक विजुलाइजर मिल जाता है एंड लॉक आइकन पावर मेन्यू एंड चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है आपको। पावर मेन्यू के अंदर आपको एडवांस रिस्टार्ट जो कि डिफॉल्ट आपका इनेबल रहता है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं रीसेंट की तो रीसेंट फिलहाल अभी जो है ब्लैंक है बिल्कुल ही यहाँ पे, तो आगे के अपडेट्स में ऐड होगा। एंड नोटिफिकेशन लाइट और बैटरी लाइट जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, बैटरी चार्जिंग लाइट जो कि काम कर रहा है। ASP अम्बिंड ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर आपके नोटिफिकेशन जो पल्स लाइट होती है एज लाइटिंग जिसे, उस तरीके का कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे सारे दिए गए हैं तो कस्टम कलर भी आप यहाँ पे चूज़ कर पाओगे। और नीचे किल ऐप बटन मिल जाता है, नोटिफिकेशन साउंड मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर तो बैकअप ऑन चार्ज मिल जाता है, पल्स प्लस ऑन इनकमिंग कॉल मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है एंड एनिमेशन सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं सभी के सभी, ये एनिमेशन मिल जाते हैं। नीचे आपको पावर मेन्यू एनिमेशन भी यहीं पे मिल जाता है, एनिमेशन जो है सारे आपको इसी एनिमेशन के अंदर ही मिलते हैं एंड चार्जिंग एनिमेशन बाहर आपको एक मिल जाता है। और डिजिटल वेल्बिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो जैसे कि आप देख सकते हो डिजिटल वेल्बिंग हमें मिल जाता है और सिस्टम के अंदर हमारा जो है जेस्चर देखने को मिलता है, क्विक ओपन कैमरा एंड यहाँ पे नेविगेशन जेस्चर है जो कि अभी फिलहाल 3 बटन देख सकते हो काम नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो सेटिंग्स के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर मेन जो यहाँ पे नेविगेशन बार दिया गया इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा तभी आप यूज़ कर पाओगे। और साथ साथ यहाँ पे जो है नेविगेशन बार जो कि इन डिस्प्ले नेविगेशन बार है या जेस्चर आप यूज़ कर रहे हो तो बाहर जो हार्डवेयर बटन आपका है वो भी आप साथ में यूज़ कर पाओगे। तो आप चाहो तो जेस्चर वाला इनेबल कर लो, बटन यूज़ करना है बटन यूज़ करो, जेस्चर यूज़ करना है जेस्चर यूज़ करो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे आपका जो है ये 3 बटन नेविगेशन आप देख सकते हो तो बिल्कुल अच्छे से जो है काम कर रहा है तो दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ पे ये कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिल जाते हैं और हैप्टिक फीडबैक अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, वाइब्रेशन वाला जो होता है एंड यहाँ पे पावर मेन्यू की भी सेटिंग्स आपको एक मिल जाती है। और नीचे आपका जो है वही रीसेट ऑप्शन हो गया ये सारे ऑप्शन एंड नीचे आपको जो है अपडेटर भी मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की तो नॉर्मल कैमरा आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे GCam जो है आराम से यूज़ कर पाओगे। इस GCam की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगी तो आप जो है वीडियो भी देख लेना, इस GCam की सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी इस GCam के बारे में, सेटिंग्स जो भी है एंड कैमरा भी आप डाउनलोड कर लेना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर। और FM जो है FM का मेन बग अब आपकी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि ये जो है काम नहीं कर रहा FM। और यहाँ पे डिवाइस जो कि फीचर है इसके अंदर आपको MI साउंड एनहांसर मिलता है ये भी जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये भी बग आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है जो कि ये दो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऐप्स में जो बग। और यहाँ पे आपका प्ले स्टोर जो है नोट सर्टिफाइड है तो इसके लिए जो है वीडियो में ऑलरेडी बना रखो कैसे सर्टिफाइड करना है, बैंकिंग ऐप को कैसे हाइड करना है मैजिक से, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगी, मैजिक ऑल प्रॉब्लम वाली वीडियो तो आप देख लेना, उसमें सारी डिटेल्स में हर एक मैजिक से प्रॉब्लम जो बैंकिंग का है वो सभी के बारे में मैं उस वीडियो में बता रखा हूँ तो आप जो है बैंकिंग ऐप को हाइड करके आराम से यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आपके ऐसे कुछ बैंकिंग ऐप काम करेंगे कुछ नहीं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटूटू बेंचमार्क स्कोर की तो 99,105 हमें जो है स्कोर यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर भी है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पबजी के ग्राफिक की तो फिलहाल आपको बाकी रोम्स की तरह सेम मिलती है, स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट है और बैलेंस पे मीडियम है, तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे सेलेक्ट करने वाले हैं। और पबजी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पबजी परफॉर्मेंस एंड्रॉयड 11 रोम के हिसाब से जो है आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल दिक्कत तो ऐसे नहीं होगी क्योंकि एंड्रॉयड 11 अभी फिलहाल एंड्रॉयड 10 की तरह तो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती उतनी ज़्यादा। अगर आप सोचोगे एंड्रॉयड 11 में आपको एंड्रॉयड
एंड्रॉयड 10 की तरह परफॉर्मेंस चाहिए, तो अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है, लेकिन थोड़ा अपडेट्स और इसके आ जाएंगे या बाकी रोम्स के भी अभी थोड़े अपडेट्स आएंगे अभी, क्योंकि बीटा टेस्टिंग पे सभी के सभी बीटा पे ही है, अभी तो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा लैग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड्रॉयड 10 है कि थोड़ा सा बेटर है, लैग उसमें भी करता है नोट 4 क्योंकि अब लो डिवाइस हो गया अभी के हिसाब से, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा तो अभी आपको जो है लैग अब देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको थोड़ा एंड्रॉयड 10 के हिसाब से ज़्यादा है। तो आप जो है अभी फिलहाल अगर आप गेम खेलना चाहते हो इस रोम पे तो नॉर्मली आप खेल सकते हो, लेकिन हैवी जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा अगर खेलते हो तो प्रॉब्लम होगी, तो आप एंड्रॉयड 10 बेटर रहेगा अभी के लिए फिलहाल, अगर आप गेम के लिए ही इंस्टॉल कर रहे हो। अगर ऐसे आप इंजॉय करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत जैसे गेम खेलते हो तो आराम से खेलो, इसमें जो है आपको ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी हैवी कोई प्रॉब्लम, और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। और चलिए हम यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे रोम डाउनलोड करके रख लेना है, और साथ साथ ओपन जी एप दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना एंड चलना अपनी रिकवरी में। आप रिकवरी कोई सी भी यूज़ करो, बस लेटेस्ट रिकवरी यूज़ करना, एंड रिकवरी पे आने के बाद वाइप पे जाना है और डॉल्विक कैश सिस्टम डेटा वेंडर इन पाँचों को सिंपली आपको यहाँ से वाइप कर देना है कुछ इस तरीके से। ये जो है हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रेश, एंड अगर हम ये कंप्लीट होने के बाद बैक करेंगे और चलना है अपने फाइल के अंदर, और सिंपली यहाँ पे अपनी रोम को जो है सबसे पहले प्लस कर लेना है यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट करना है रोम आपका जो है यहाँ पे प्लस हो जाए, तो सिंपली आपको वाइप कैच कर देना है कुछ इस तरीके से, और वाइप कैच होने के बाद बैक करना है अगेन आपको, और अपने ओपन जी एप को यहाँ पे प्लस कर लेना है, और ये भी प्लस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको वेट कर लेना है यहाँ पे, और ये जो है प्लस होने के बाद आपको यहाँ पे सेम बिल्कुल वाइप कैच यहाँ पे भी आपको जो है करना है, एंड यहाँ पे आपको जो है रिबूट कर देना अपने डिवाइस को। तो सिंपली जो है हम यहाँ पे रिबूट कर देंगे, थोड़ा सा वेट करना है हमारी लोगों पे आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद आपका बूट एनिमेशन आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बूट एनिमेशन आपको जो है देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिलेगा बूट एनिमेशन, और थोड़ी देर बाद आपका 5 मिनट के अंदर जो है फ़ोन ऑन हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका एंड मिल जाता है बूट एनिमेशन, तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना सेटअप सारा कंप्लीट कर लेना, और सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको जो है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन है जो कि आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही सारी चीज़ थी आज की वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और जो मैं बोला था कि टेलीग्राम पर ज्वाइन लें तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन लें, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मुझे खुद प्रॉब्लम हो रहा है। कल मेरा हो गया करीब 5 से 6 बार वीडियो अपलोड किया डिलीट करके, आज सुबह 2 बार कर दिया मैं, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं गया, तो मुझे टेलीग्राम पे ही पोस्ट किया, तभी काफ़ी लोगों को पता चला, इसलिए ज्वाइन कर लो ताकि दिक्कत ना हो। वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ तो कम से कम पता चल जाएगा, यूट्यूब के नशे छोड़ो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।